अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपकी होस्ट उरफाना मुनीर। नाज़रीन, इस वक्त का अपडेट आपको श्रीनगर के हॉस्पिटल से देते हुए या आपको बताते चले कि कल सोपोर में एक एक्सीडेंट जो था पेश आया था, जिस हवाले से आपको बताते चले एक 65 ईयर ओल्ड मैन जो था जिसमें वो जख्मी हो गया था और उस हवाले से उसको श्रीनगर हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट श्रीनगर के हॉस्पिटल से आ रही है कि अपनी ज़िंदगी के जंग इस वक्त वो हार चुके हैं और उसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ सलीम कादरी सोपोर से जुड़ चुके हैं। सलीम, मज़ीद तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह कराएं। जी इरफाना, मैं आपको बताऊं कि कल जुमेरात के दिन ये जो हादसा जो था ये कस्बे सोपोर के बटिंग इलाके में पेश आया, और जिसके जहां पर एक टू व्हीलर बाइक है उसने इस शख्स को टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में जो है वहां पे जख्मी हुआ था। उसके फौरन बाद इसे सोपोर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां से इसे श्रीनगर हॉस्पिटल जो है रेफर किया गया, जहां पे इसने जुमेरात की आधी रात को ही वहां पे दम तोड़ दिया। और आज दोपहर को इसकी जो लाश है अपने घर वालों के हवाले करके इसके आखिरी सुमार जो है वो अंजाम दी गई। मैं आपको तफसीलन बताऊं कि कल बटिंग इलाके में ये मुकामी शहीद मीर जो वहां पे एक इलाका है जो बटिंग से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां का एक शख्स जिसकी शिनाख्त अब्दुल मजीद अब्दुल मलिक डार सनाफ हबीबुल्ला डार जो मुकाम के रहने वाले थे, जिसकी उम्र जो है 65 साल जो है बताई गई, वो मुकाम से वहां पे अपने इसी बटिंग इलाके के लिए जा रहा था। तो रास्ते में जो है टू व्हीलर ने इसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में यहाँ वो शदीद जख्मी हुआ, और उसके फौरन बाद जो है वहां के मुकामी लोगों ने इसे सोपोर के सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने इसकी हालत जो है वो बहुत नाजुक पाई, और उसके फौरन बाद इसे श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह जो हॉस्पिटल है वहां पे इसको शिफ्ट किया गया। लेकिन जो इसकी हालत काफी अबतर हो चुकी थी, और उसके जो बाद में जो है डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट भी जो है शुरू किया, लेकिन बिलाकर ये जो है जुमा रात और जुमा की दरमियानी शब के दरमियान से जो है अपनी जिंदगी जो जंग थी वो इसने हार लिया, और इसके बाद जो है इसकी लाश को जो है अपने घर वालों के हवाले किया गया। तमाम जो फॉर्मेलिटीज थी वहां पे वो मुकम्मल करने के बाद जो इसकी डेड बॉडी जो है अपने घर वालों के हवाले कर दी। मैं आपको इसके बारे में मजीद ये बताऊं। सलीम, हम यहां पे आपको रोकेंगे और आपको पूछते चलेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि ये हादसा जो था ये किस तरह वहां पे पेश हुआ, क्या जो थी किस तरह ये जो हादसा था ये वहां पे पेश आया, और क्या कुछ मजीद तफसीलात जो थी उसी से आपको इस हवाले से आप आगाह करें। जी उरफाना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पे ये मुकाम शहीद मीर का रहने वाला आदमी है, और वहां से वो बटिंगो के इलाके में जा रहा था। तो रास्ते में जो है टू व्हीलर जो है अभी ये मालूम नहीं है वहां पे कि टू व्हीलर का नंबर क्या है, क्योंकि उसे अब अननोन जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उस आदमी की शिनाख्त भी नहीं हुई है, उस बाइक की शिनाख्त भी नहीं हुई है, कौन था, कहाँ से आया और किस तरह से टक्कर मार दी गई वो अभी तक जो है वो मालूम नहीं हो पाया। लेकिन बिल्कुल ये जो खबर बिल्कुल जो कंफर्म हुई है वहां से कि टू व्हीलर ने ये से टक्कर मार दिया है, कैसे मार दिया वो वेरीफाई नहीं हुआ, और अब पुलिस ने जो है इस सिलसिले में केस जो है दर्ज करके जो है तहकीकात शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका। तो नाज़रीन, ये थे इस वक्त हमारे साथ सलीम कादरी, जिनका यही कहना है कि बिल्कुल कल एक हादसा जो था वो पेश आया था, 65 ईयर ओल्ड मैन जिसके साथ ये हादसा पेश आया, और जिसमें अपनी जिंदगी के साथ जो जंग थी वो उन्होंने SMHS में लड़ी। जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट उरफाना मुनीर को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।